आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑप्शन हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर पहले आपको बताऊं कि क्या होता है। बेसिकली आप नाम से ही आप समझ सकते हैं, हेडर मीन्स कि मैं एक हेडिंग की बात कर रहा हूं और फुटर एक फुटर की बात कर रहा हूं जो कि कई फुट में बिलोंग करेगा। तो अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें, जैसे आप कोई बुक देखते हो तो बुक में आप देखिएगा कि पेज नंबर होता है एंड वो आपके राइट हैंड साइड पे टॉप पे होता है। तो वो पेज नंबर जो है, अगर आपके बुक में 100 पेजेस हैं या 500 पेजेस हैं या 50 पेजेस हैं, उन हर एक पेजेस के ऊपर एक नंबर प्रिंट होता है। अगर वो ऊपर दिया गया है डॉक्यूमेंट के पेज के तो उसको हम हेडर में कहेंगे, और अगर वो नीचे दिया गया है तो उसको हम फुटर में कहेंगे। तो इसी तरह अगर आपने हेडर में कोई टेक्स्ट लगाना हो या कोई पिक्चर लगानी हो या कोई इमेज लगानी हो या कोई सिंबल लगाना हो या फिर आपको पेज नंबर देना हो तो हम लोग लगा सकते हैं। बट डिसाइड हमें करना है कि हमें वो हेडर पे लगाना है या फुटर पे लगाना है। हेडर देखिएगा क्या है, हेडर आपका जो डॉक्यूमेंट के ऊपर आएगा टॉप पे वो हेडर होता है, एंड फुटर जो है वो डॉक्यूमेंट के जो नीचे होता है वहाँ आएगा। जैसे मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट ओपन है तो आप यहाँ देखते हो ये जो एरिया है ये टॉप मोस्ट, इसको हम हेडर कहते हैं। और अगर मैं नीचे आऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा फुटर आ रहा है। ठीक है, अब मैं हेडर की बात करता हूँ। हेडर लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक आपको मैंने पिक्चर बना के दी हुई है, इसमें आपको इंसर्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। इंसर्ट में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी आपको इस जगह पर हेडर एंड फुटर। तो मैं यहाँ से मेन्यू में क्लिक कर रहा हूँ इंसर्ट में। जैसे ही मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया ये ऑप्शन आई है हमारे पास हेडर एंड फुटर। इसमें ऑप्शन आ रही है हेडर फुटर एंड पेज नंबर। तो मैं पहले बात करता हूँ हेडर की, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट के टॉप पे लगाना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही मैं हेडर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ बिल्ट इन टेम्पलेट्स आ रहे हैं। अगर मैं ये लूँगा तो देखिए यहाँ पे टॉप पे लेफ्ट एरिया में आ रहा है। क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये टॉप एरिया में आ गया। अब ये क्या बता रहा है हमारे को कि टाइप हेयर, आपको कुछ टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ डेट सॉल्यूशंस, ये देखिएगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ प्रिंट हेडर फुटर को, तो आप देखिएगा कि हर एक पेज के ऊपर ही आएगा। फिलहाल हमारे पास ये एक ही पेज है तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं मल्टीपल पेज लेता हूँ। अब मल्टीपल पेज लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, टेक्स्ट एंटर करना होगा या फिर मुझे पेज ब्रेक करना होगा। तो पेज ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। जैसे मैंने किया देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। फिर मैंने किया यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर, हाँ देखिए टोटल 3 पेजेस आ गए। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए कि दिस इज़ द थर्ड पेज, एंड स्क्रॉल करता हूँ दिस इज़ दी सेकंड पेज और ये हमारा है फर्स्ट पेज। तो आप देखिए वो जो हेडर है हमारा फर्स्ट पेज पे भी आ रहा है, सेकंड पेज पे गया तो सेकंड पेज पर भी आ रहा है, थर्ड पेज पर भी गया तो थर्ड पेज पर भी आ रहा है। जितने भी पेजेस होंगे ये सब पर ऑटोमेटिकली आता रहेगा। इसी तरह मैं आगे 4-5 और लेता हूँ। फिर मैंने अगेन प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर, यहाँ मैंने टाइप किया फोर्थ पेज। फिर मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर एंड यहाँ पे आ गया मेरा फिफ्थ पेज। अब मेरे पास इस डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल 5 पेजेस हैं, ये आप चेक कर सकते हो 5 of 5। मैं इस समय पेज नंबर 5 के ऊपर हूँ। ऐसे मैं स्क्रॉल करके ऊपर जाऊँगा पेज नंबर 1 पे और क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या बताएगा इधर, पेज नंबर 1 of 5 मीन्स टोटल पेजेस 5 हैं और मैं नंबर पेज 1 के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो इस हेडर को चेंज करना है आपने, तो ये बाय डिफॉल्ट जो लिया था लेआउट मैंने वो ये ली थी कि आपका फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट पे जो है वो आपका फीचर आए, वो आपका जो लेआउट है हेडर की वो आए। अगर उसको मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पे डबल क्लिक करूँगा 2 बारी, या फिर क्लोज करने के बाद मैं दोबारा जाऊँगा इंसर्ट पे, एंड इंसर्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा हेडर पे, तो ऑप्शन यहाँ से भी आ जाएगी। मैंने पहले ये लिया था। अब मैं अगर करता हूँ ब्लैंक मीन्स 3 कॉलम, ये ब्लैंक में 1 कॉलम था जो कि लेफ्ट मोस्ट में आ रहा था। अगर मैं ब्लैंक कॉलम लूँगा 3 कॉलम में तो ये लेफ्ट सेंटर एंड ये राइट, क्लिक किया ये देखिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाइप किया ग्रेट सॉल्यूशंस, यहाँ पे मैंने लिखा चैप्टर का नाम या सिलेबस का नाम या बुक का नाम जो भी आपको देना है। मैंने यहाँ लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 एंड टाइप हेयर, एंड मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे देखिए हेडर फुटर टूल के अंदर ऑप्शन आ रही है डेट एंड टाइम, क्लिक किया।
आपको जौन सा डेट का फॉर्मेट चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। मैंने लिया February 14, 2021। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है अपडेट ऑटोमेटिकली की, जो कि अनटिक है। अगर मैं इसको टिक कर दूंगा तो इसका मतलब क्या है, अपडेट ऑटोमेटिकली। तो आज डेट 14 है, ये देखिए, तो डेट ये आज की बताएगा। अगर ये ऑप्शन ऑन है और मैं दो दिन के बाद इस फाइल को ओपन करूंगा तो वहाँ पे 14, 15, 16 मीन्स वहाँ पे डेट जो है 14 से रिप्लेस होके वो 16 ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है अपडेट ऑटोमेटिकली। तो जैसे टाइम चेंज होगा सिस्टम का, वैसे ही वो वहाँ भी डेट चेंज कर देगा। आप चाहते हो कि चेंज ना हो तो इसको आप ऑफ रखिएगा। तो जो डेट अभी इस समय इंसर्ट होगी वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, चाहे आप उसको दो साल के बाद खोलो, वो डेट वही रहने वाली है। तो आपको चेंज करना है तो इसको ऑन कर दीजिए, नहीं चाहिए तो रहने दीजिए। तो इसको मुझे चेंज नहीं करना है तो मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ एंड यहाँ से ओके करता हूँ। तो जहाँ पे कर्सर था देखिए वहाँ पे डेट आ गई और मैंने यहाँ से किया क्लोज। अब देखने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट पेज पे मैंने हेडर दिया है, क्या है सभी पेज पर आ रहा है, चेक करते हैं। पेज नंबर 2 ये देखिए ये आ गया, पेज नंबर 3 पर भी आ गया, पेज नंबर 4 पर भी आ गया एंड पेज नंबर 5 पर भी आ गया। अगर मैं 5 के बाद कोई और पेज लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दोबारा किया कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर और यहाँ पे लिखा 6 पेज, तो आप चेक कीजिएगा आपका वो हेडर यहाँ पर भी आ जाएगा। तो जितने भी पेजेस होंगे सब पर हेडर फुटर जो है ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे जैसे ही आप डॉक्यूमेंट में नया पेज इंसर्ट करेंगे, आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ से मैंने इसको ऑन किया है वहीं से ये ऑफ होगा। मैं इंसर्ट पे गया, हेडर पे गया, अगर मुझे ऑप्शन ये नहीं चाहिए हेडर रिमूव करना है तो मैं यहाँ से कर दूंगा रिमूव हेडर। अगर मुझे करना है एडिट तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एडिट हेडर। अब यहाँ ऑप्शन आ रही है, ये टेक्स्ट था, ये आपका टेक्स्ट था और ये आपका डेट एंड टाइम था। अब अगर मुझे यहाँ पे पिक्चर लगानी है कोई, या मुझे सपोज यहाँ पे कोई फ़ोटो लगानी है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, बैक स्पेस करके इस टेक्स्ट को रिमूव किया, मुझे यहाँ पे पिक्चर चाहिए। अब पिक्चर की ऑप्शन तो देखिए यहाँ पे नहीं आ रही, ये आ रही है इंसर्ट पिक्चर। अगर नहीं आएगी तो आप इंसर्ट में जा सकते हैं। अब जौन सी पिक्चर आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई है आप उन पिक्चर को यहाँ से ले सकते हो। कुछ मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया एंड इंसर्ट किया, तो देखिए वो पिक्चर जो है वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। और इसको मैं यहाँ से छोटा कर सकता हूँ जैसे मैंने पहले किया था, आपको बताया था इंसर्ट पिक्चर्स में, एंड यहाँ से मैं इसको कर दूंगा रैप टेक्स्ट थ्रू, ताकि टेक्स्ट जो है उसके अलाइन में प्रॉपरली सेट हो जाए। तो ये हमारी इमेज आ गई है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये इमेज यही लगानी है, अगर किसी डॉक्यूमेंट का कोई आपका लोगो है, किसी कंपनी का लोगो लगाना है आपने, तो आप लगा सकते हैं एज ए पिक्चर। मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया और वो वहाँ से पिक्चर रिमूव हो गई। पिक्चर के अलावा मैं और वहाँ पे क्या लगा सकता हूँ देखते हैं। मैं हेडर पे गया अगेन एंड यहाँ पे मैं गया एडिट हेडर पे, मुझे अब पेज नंबर चाहिए। तो पेज नंबर चाहिए अगर आपको, तो हम यहाँ पे पेज नंबर पर आए। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही हैं, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन एंड करंट पोजिशन। अब अगर मैं टॉप पे जाता हूँ तो देखिए स्टाइल ये आ रहा है, लेफ्ट सेंटर एंड राइट। अगर मैं सेंटर लूँगा तो जो ये मेरा पीछे पहले अप्लाई हो रखा है लेफ्ट सेंटर राइट, इसका क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और इससे हो जाएगा अपग्रेड। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ अंडू कंट्रोल जेड। मुझे अगर इसी जगह पर चाहिए तो कर्सर मेरा कहाँ पर है, इस जगह पर है, मीन्स करंट पोजिशन पर है। तो मुझे अगर पेज यहाँ चाहिए तो मैं फिर टॉप बॉटम पे ना जा करके मैं जाऊँगा करंट पोजिशन पे, क्यों, क्योंकि मेरा कर्सर लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो मैंने यहाँ पे करंट लिया। स्टाइल आपको ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जौन सा स्टाइल आपको ठीक लगे वो स्टाइल आप वहाँ पे लगा सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिया पेज 1 of 1, तो देखिए टोटल पेज हमारे पास 6 थे तो यहाँ पे आ गया पेज नंबर 1 of 6। क्लोज किया, जब हम पेज नंबर 2 पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या बताएगा, 2 of 6, फिर 3 of 6, देन 4 of 6, फिर आगे 5 of 6 एंड देन आगे 6 of 6। ये ऑटोमेटिकली पेज बनते जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज 7th एंटर करूँगा तो फिर वहाँ लिखा आ जाएगा 7th of 7 of 7, तो ऑटोमेटिकली वो ऐड होता जाएगा, हमें बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको मॉडिफाई करता हूँ, मैं दोबारा इंसर्ट में गया, हेडर में गया एंड यहाँ से मैंने किया एडिट हेडर। एडिट हेडर के बाद मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट एंड टाइम लिया था, यहाँ से पिक्चर लिया था और यहाँ से पेज नंबर लिया था। अब अगर मैं हेडर की बात करूँ तो देखिएगा यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस और आ रही हैं। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पहले ये लिया था, अगर मैं ये लूँगा तो लेफ्ट में आएगा, ये लूँगा तो सेंटर में आएगा, ये लूँगा तो, अब ये क्या चीज़ है,
फेसेट इवन पेज, फेसेट ओड पेज। अगर मैं यहाँ पे इवन पेज करूँगा तो देखिए 1, 2, 3, 4 ये सब पे वो वाला स्टाइल आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आती है हमारे पास, वो क्या है बेसिकली, जब इस पे आप जाएंगे एडिट पे, तो मैंने क्लिक किया यहाँ पे डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, कि मीन्स ऑड पेज पे अलग हेडर आए एंड इवन पेज पे अलग हेडर आए, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, ये लिया मैंने एंड क्लोज किया। अभी फर्स्ट पे देखो ये वाला आ रहा है क्योंकि ये ऑड है, सेकंड पे क्योंकि इवन है नहीं आ रहा, थर्ड पे आ रहा है क्योंकि इवन है, फोर्थ पे नहीं आ रहा, फाइव आपका ऑड है तो ये आ रहा है, सिक्स आपका इवन है नहीं आ रहा, सेवन आपका ऑड है, सॉरी सेवन पेज ही नहीं है हमारे पास, तो वो अगर होता तो वो भी वहाँ पे इस पैटर्न में आया था क्योंकि वो ऑड पेज में आता है। अब अगर मैं इसको देखता हूँ दोबारा से जाके एडिट हेडर में, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, मैंने यहाँ पे ऑप्शन ली थी हेडर की ये वाली, फर्स्ट फेसेट इवन पेज एंड फेसेट ऑड पेज, मैंने ये लिया था। आप अगर इवन लेंगे तो वो इवन लेगा, ऑड लेंगे तो ऑड लेगा। मैंने यहाँ से इवन ये वन से स्टार्ट होगा और ये लूँगा तो ये स्टार्ट इस तरह से होगा। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो मैं दोबारा यहाँ पे गया, पहले इसको मैं रिमूव करता हूँ कि मुझे कोई हेडर नहीं चाहिए। अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन की हुई है क्या, डिफरेंट ऑड एंड डिफरेंट इवन, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले यहाँ पे डेट एंड टाइम लिया और फॉर्मेट लिया मैंने ये वाला एंड ओके, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे टैप प्रेस करके राइट हैंड साइड पे आया और यहाँ पे मैंने लिया टेक्स्ट टाइप किया ग्रेट सॉल्यूशंस। इसके बाद इसको थोड़ा सा और अलाइन करना है तो एक टैब और प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे स्पेस बार भी यूज़ कर सकते हैं आप, स्पेस ज़्यादा होगी इतना ही रहेगा, ये यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, इसको आप इधर से अलाइन यहाँ पे कर सकते हो। अब ये मेरा था इवन पेज का, अब मैं जाता हूँ ऑड पेज, तो मैं ऑड पेज पे गया और ऑड पेज पे मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट में आया और यहाँ से मैंने एक पिक्चर को इंसर्ट कर दिया, जो भी आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो, और यहाँ से मैं रैप टेक्स्ट पे गया एंड इसको मैंने यहाँ पे किया थ्रू और ये मेरी जो फोटो है सेंटर करके इसको मैंने सेंटर में कर दिया। अब देखने वाली बात क्या है, मैं यहाँ से हेडर फुटर पे गया और इधर से क्लोज किया। अब बात यह है कि जो ये मेरा इवन पेज था और सॉरी ऑड पेज था, उसमें मैंने लिया था लेफ्ट हैंड साइड पे डेट एंड टाइम एंड राइट पे लिया था मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम। फिर मैं इवन पेज पे गया तो वहाँ पे ये फोटो आ रही है, फिर मैं ऑड पेज पे गया, देखिए वही पैटर्न आ रहा है, फिर मैं ऑड पेज पे गया सॉरी इवन पे गया फोटो आ रही है, ऑड पे गया टेक्स्ट आ रहा है, इवन पे गया फोटो आ रही है। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑड डिफरेंट इवन पेजेस के हिसाब से आप हेडर फुटर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक बार दोबारा जाता हूँ हेडर फुटर पे, अगर मुझे हेडर नहीं चाहिए मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, हेडर रिमूव हो गया, फुटर भी नहीं चाहिए क्लिक करता हूँ, फुटर भी रिमूव हो गया। अभी आप देखेंगे अभी नहीं हुआ, हेडर रिमूव हेडर, देखिए हेडर भी गया फुटर भी गया, अब किसी भी पेज पे कोई हेडर फुटर नहीं आ रहा। अब अगर मुझे पेज नंबर लेना है तो अगर आपको हेडर पे चाहिए तो हेडर पे आ जाएगा, फुटर पे चाहिए तो फुटर पे आ जाएगा। तो मैं एक बार पेज नंबर पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे किया टॉप, टॉप पे मुझे स्टाइल चाहिए कोई यहाँ से ये वाला स्टाइल चाहिए, तो क्लिक किया, ये देखिए पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 नहीं आ रहा, पेज नंबर 3 आ गया, पेज नंबर 4 नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि मेरी यहाँ पे ऑप्शन ऑन है, वो कौन सी है, डिफरेंट ऑड डिफरेंट इवन, तो मैं इसको ऑफ करता हूँ, जैसे ही ऑफ करूँगा तो देखिए 1, 2 सब पे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसके लिए ऑड इवन में कोई फर्क नहीं रहेगा। फिर इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव करता हूँ, इसको क्लिक करके मैंने किया डिलीट, हेडर खत्म हो गया एंड क्लोज। फिर मैं बात करता हूँ पेज नंबर की, मुझे पेज नंबर चाहिए, अब कहाँ पे चाहिए, मेरे को चाहिए पेज मार्जिन पे, तो ये जो एरिया है ये लेफ्ट, तो ये देखिए इस मार्जिन पे लेफ्ट पे आ जाएगा, ये लूँगा तो ये राइट, तो जैसे राइट लिया तो देखिए राइट पे मार्जिन पे आ गया, अगर मैं उसको लेफ्ट पे लूँगा तो फिर वो हमारा लेफ्ट पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बॉटम लाइन राइट करता हूँ तो देखिए ये राइट पे इस तरफ से आ जाएगा। और दूसरी चीज, अगर मैं करता हूँ यहाँ से पेज मार्जिन हो गया, अगर मैं करता हूँ करंट पोजीशन पे तो जहाँ पे मेरा कर्सर होगा
जैसे मैंने आपको हेडर में करके बताया था, फिर वो वैसे ही आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर करना है, मीन्स जैसे पेज वन आ रहा है, आपको उसकी जगह पर कोई और स्टाइल देना है, फॉर एग्जाम्पल आपको रोमन में देना है, तो आप यहाँ से रोमन में पिक कर लो। ये रोमन लिया, ये देखेंगे आप, तो अब ये रोमन कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, वन एंड टू। फिर अगर आप कोई और स्टाइल देना चाहते हैं, तो फिर हम दोबारा से जाते हैं वहीं पे। मेरे को अगर स्टार्ट करना है सपोज 10 से, 10 लिया एंड ओके, तो आप देखेंगे ये स्टार्ट 10 से हो जाएगा, 10 एंड 11। बट हम लोग जो है बाय डिफॉल्ट 1 से ही करते हैं, तो 1 से आप कर सकते हैं। जैसे आप चेक करेंगे प्रव्यू, कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रव्यू में, तो आपको सारे पेजेस दिखाएगा। ये देखिए पेज नंबर 10, नेक्स्ट पे गया 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, सॉरी यहाँ तक ही है, 15 तक ही है ये। तो आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे आपने ऑन किया था वैसे आप ऑफ कर लेंगे। यहाँ पे आप जाएंगे पेज नंबर पे एंड यहाँ से आप रिमूव पेज कर देंगे, तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। तो डेफिनेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया, आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे मेल या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ अगली क्लास तक। थैंक यू।